सारी चीज़ें चाचा जी या ताऊ जी के नाम से मैंने खा लिया। ताऊ जी आपकी आत्मा का शांति मिले, क्योंकि मेरी आत्मा को आपने शांति दे दी खाना खिला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कल का मैं राजकोट में आ चुका था, ये गुरुद्वारा है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ यार, इतने कुछ खास है नहीं यार राजकोट में घूमने वाला, सिर्फ वो है पार्क वगैरह है, एक छोटा सा चिड़ियाघर है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ सीधा कच्छ निकल रहा हूँ। यहाँ से 280 किलोमीटर है। तो थोड़ा बहुत आपको सिटी घुमाते हुए सीधा मैं कच्छ निकल रहा हूँ, तो फिर कच्छ में दिखाएंगे आपको मज़ा, ज़बरदस्त नज़ारे। दो तीन दिन और वेट कर लो बस, तब तक ऐसे रास्ते का ही रहेगा। चलते हैं, अभी नाश्ता करते हैं। वैसे नाश्ता मैंने किया थोड़ा बहुत गुरुद्वारे में, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो दो रोटी खाई थी आलू के साथ, आगे चाय वाय पियेंगे, परोठा खाएंगे, मिलते हैं आपको। तो ये देखो जी सिटी के नज़ारे, सुबह सुबह कितना ट्रैफिक हो गया है यहाँ पे। देखो भाई, मेन हाईवे पुल के ऊपर ही स्ट्रीट मार्केट लगा रखी है। वाह, ये जी राजकोट का बाजार, देखो सिटी। तो ये हाईवे में चला रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ और ध्यान से चला रहा हूँ मैं। आप से चलाओ तो पूरे सेफ्टी का वो ध्यान से चलाना, ऐसे मत चलाना, समझे? आपके मीन ब्लॉगर जितने भी हो आप लोग, बिल्कुल अपने साइड में होके सेफ्टी के साथ पूरा 24 घंटे सतर्क रह के आगे पीछे देख के फिर चलाना। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो जी यार, इतनी छोटी सिटी है राजकोट, हार्डली मेरे को 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे तो सिटी से बाहर निकल चुका हूँ। बताओ, हाईवे में हूँ अपना कच्छ मोरबी हाईवे में, 10 मिनट भी नहीं हुआ सीधे से बाहर आ गया। बस ये टाउन वगैरह है, फ्लैट वगैरह है। तो देखो बस अभी चलते हैं, नाश्ता देखते हैं, नाश्ता कुछ अच्छा मिल जाए। वैसे मुश्किल ही है यहाँ मिलेगा, क्योंकि अभी 10 बज गया, धूप देख लो कितनी है। चाय वाय पीते हैं और नाश्ता में पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर, वो देखते हैं क्या है नाश्ता है। बड़े तो बताया आंटी जी ने, तो दाल पकवान राजस्थान में मिलता है, ऐसा कुछ है। चलो देखते हैं, चाय के साथ खाएंगे कुछ। जबरदस्त रोड है, मज़ा आ गया यार कच्छ जाते हुए। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, ये तरबूज अभी यहाँ अभी बिक रहे हैं, हमारे वहाँ ख़त्म भी हो चुके हैं। यहाँ अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर आने वाला है, सितंबर 30 को यहाँ अभी भी तरबूज बिक रहे हैं, और हमारे वहाँ जून जुलाई को ख़त्म हो चुके हैं। क्या यार, और इतना बढ़िया है लोकेशन है ना यार, क्या बताऊँ। ये देखो पवन चक्की, वाह यार मज़ा आ गया भाई मज़ा। तो अभी 250 किलोमीटर था वहाँ से, 270 30-35-40 चल लिया होगा, 220-230 रह गया। तो ऐसे जबरदस्त नज़ारा आने वाला है भाई लोग, बने रहो मेरे साथ ब्लॉग में। तो जी मैं रास्ते से आ रहा था, तो यहाँ पे किसी माता का लंगर चल रहा है, तो लंच का टाइम भी हो चुका था, तो मैंने सोचा खाना खा लेते हैं। तो खाने में देखो क्या क्या मिला हुआ है, दाल सब्जी चटनी, फिर रोंगी की दाल कोड़ा, रोटी चावल, बहुत कुछ मिला है, तो सब फ्री मिलते हैं। हो गया, तो इधर बैठा हूँ छाया में, थोड़ा 10 मिनट करूँगा आराम। तो यार बन गया मजाक ज़बरदस्त, वो ये बना कि मैंने सोचा यहाँ पे यात्रियों को खिला रहे हैं खाना बना, तो आके मैं घुस गया थाली भली लेके खाने शुरू हो गया। बाद में पता चला यार कि कल से कितना यहाँ से शराब शुरू हुआ है, तो कोई अंकल जी थे वो अपने पिताजी के शराब का खाना खिला रहे थे। चाचा जी या ताऊ जी के नाम से मैंने खा लिया। ताऊ जी आपकी आत्मा का शांति मिले, क्योंकि मेरी आत्मा को आपने शांति दे दी खाना खिला के। बहुत शुक्रिया ताऊ जी। तो वही यार, बाद में पहले देखा यार यात्री तो कोई नहीं खाने वाला, या तो सब इनके रिश्तेदार लग रहे हैं।
तब मैं जल्दी जल्दी खाया, उठ के निकल के आ गया। और ये एक लड्डू जैसा कुछ बेसन का है कि क्या है, सूजी का हलवा जैसा है, ये खा रहा हूँ, सूजी का हलवा जैसा है। तो 10 मिनट रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो जी निकल पड़ा हूँ, खाना वाना खा के आराम आराम से चल रहा हूँ यार। लोग एयर सेट किए हुए मज़े से, वादियाँ एकदम ज़बरदस्त इंजॉय करते हुए, विंड मिल चल रही है मेरे पीछे। तो ट्रैफिक वगैरह नहीं है यार ये, ऑल दो ये है तो फोर वे है, फोर लाइन है, बट ट्रैफिक वगैरह नहीं है, सुनसान एकदम, मज़े से चल रहा हूँ। 1:30 बज गया, चलते हैं देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ पे गन्ने की खेती है और ये कॉटन है, गन्ना कॉटन दोनों की खेती होती है यहाँ पर। तो जी आ चुका हूँ मैं पंप में पानी भरने के लिए, क्योंकि मेरा बोतल में पानी गर्म हो गया है और प्यास लगी है। हाँ हाँ ठंडा पानी उधर पहले पी लेते हैं, फिर उसके बाद भर लेंगे। ठंडक पड़ गई है, पानी भर लिया भाई रास्ते के लिए, चले अब। भाई आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये कच्चे रास्ते में क्यों आया, मैं पक्का हाईवे छोड़ के कच्चे में क्यों आया, बताता हूँ आपको इसका भी कारण। क्योंकि मैं हाईवे से जा रहा था तो मेरे को एक नदी दिखाई दी, तो तुमको पता है नदी शदी का मौका मिले नहाने का, पानी जा रहा हो तो तुम्हारा भाई छोड़ता नहीं मौका। और ऐसे भी इतनी गर्मी है और आज का नहाना हुआ नहीं, पेट्रोल पंप को शाम को नहाने से अच्छा पानी आ रहा है बढ़िया ज़बरदस्त, तो नहा लेते हैं मौका मिला है तो। तो शाम को नहाना नहीं होगा और क्या, अभी खुले पानी में मज़े से नहाएंगे, अकेला हूँ, ऊपर से कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। ये अजीब हो, चलो पास जाके दिखाता हूँ, तो देखते हैं नहाने वहाने का क्या सीन है। इस साइड थोड़ी गंदगी लग रही है तो यहाँ तो नहाऊँगा नहीं, इस साइड देखता हूँ यहाँ भी गंदगी हुई तो फिर उधर जाऊँगा, उधर थोड़ा साफ है वहाँ नहाऊँगा। भाई यहाँ भी मेरे को गंदगी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत गंदगी है यार, यहाँ कहाँ नहाना है। उधर चलता हूँ, अगर वहाँ साफ हुआ तो नहाऊँगा, नहीं तो फिर नहीं नहाऊँगा मैं, पता है ना आपको यार, ज़्यादा गंदगी हो वहाँ पे नहाने से एलर्जी हो जाएगी, क्या फ़ायदा। इस साइड थोड़ा पानी साफ लग रहा है मेरे को, हाँ यहाँ नहा सकता हूँ, बट देख लेता हूँ एक बार चेक करके, पता चले मैं नहाने लगूँ पीछे से अजगर आ जाए। ये कुछ क्या है दिख रहा है काला काला। फाइनली कपड़े वपड़े खोल लिए, नहाने की तैयारी करते हैं यहीं पे। ये मैंने इसलिए नहीं उतारा ताकि उसको भी धो सकूँ, और चप्पल पहन ली मैंने ताकि कांटे वाँटे ना घुस जाए कुछ, मतलब पत्थर वत्थर, और नहाते हैं यहीं पे। चलते हैं भाई नहाने, पानी तो गर्म है यार। ज़्यादा गहरा नहीं है, गर्म है पानी। बढ़िया बढ़िया, गर्म है पानी ठीक। भाई लोग जहां भी ऐसा मौका मिले छोड़ना मत, नहा लो, लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते भाई। चलो जी साबुन लगाते हैं, चले भैया। आज का नहा धो के फ्रेश भी हो गए, पानी भी पिया,
अब चलते हैं मंजिल की तरफ। से 5-6 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ क्योंकि वो पानी गर्म था। और यहाँ पे भी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे राजस्थान में हर जगह आपको पानी का घड़ा मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, वैसे यहाँ गुजरात में भी मैं जब से क्रॉस किया है तो हर जगह आपको पानी घड़ा मिल जाएगा। देखो जैसे ये ऐसे पब्लिक एरिया है, मतलब घूमने फिरने का फुटपाथ एरिया है, यहाँ पर भी पानी लगाया हुआ, नया घड़ा रख के पानी भर के लगाया हुआ, पानी है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। शिट, बेइज्जती होगी मेरी, पानी तो है नहीं। चलो आगे वाले में देखते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी मैं कोई चीज़ ऐसी दिखाता हूँ कि जो बहुत सही है वो आगे जाके फिर ऐसा काम ख़राब हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, लग तो रहा है कि पानी काफ़ी है, टूटी गए, टूटी नहीं है, हाँ इसमें पानी है, बट जो है इसमें पीने के लिए हेल्दी नहीं है, पता नहीं कितने दिन का भरा है। तो जी मजाक हो रहा है मेरे साथ, चलते आगे यार पेट्रोल पंप में जाके पिएंगे। तो जी यहाँ पे पानी है, बट गर्म है। यहाँ पे 20 रुपये का लस्सी मिलता है, तो मीठी लस्सी मिलती है, पीने के लिए बड़ा मज़ा आता है। तो आपको देखा तो मिंट माइंड का बोतल नहीं आता था, उसमें आता है लस्सी, गर्म लस्सी, कितना 20 रुपये का है ना, 20 रुपये का आता है। ठंडा है, ठंडा अभी देता हूँ पैसा। तो ये आती है वो लस्सी, बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है, तो इलायची फ्लेवर में होता है ये। क्या भाई निकला ही नहीं यार, आज क्यों ऐसा क्लोज हो रहा है, मेरे साथ ही मजाक हो रहा है। अब देखते हैं, हाँ हाँ मज़ा आ गया। तो जी लस्सी वस्सी पी के निकल चुका हूँ मैं, और 5 बज चुके हैं, 7 किलोमीटर ही कवर किया है, तो 2 घंटे और चलाऊँगा, 10-12 किलोमीटर और 70-80 किलोमीटर ही चला चल पाएगा, बहुत है। एक वार्ड वार्ड लेके जा रहे हैं भाई लोग, ठीक है जी। तो आ चुका हूँ मैं तकरीबन 80 किलोमीटर, और यहाँ से 197 किलोमीटर कच्छ है। ये पीछे पेट्रोल पंप था, उन्होंने कहा यार कि हमारा अपना वो है कॉम्प्लेक्स खुल रहा है तो आप यहाँ कैंप लगा लीजिए, तो मैंने यहाँ टेंट लगा लिया है। तो पीछे तो मेरे हाईवे है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज। तो ऐसा था आज का ब्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।